नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं आज के वृषभ राशि फल के बारे में कि आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं, जिससे आप तक समय समय पर महत्वपूर्ण राशि फल पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों का आज का दिन। दोस्तों, आज का दिन आपके व्यवसाय और करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने में सफल रहेंगे। आपका मन प्रसन्नता और उत्साह से भरा रहेगा। आज ऑफिस में आपके कार्यों की तारीफ होगी, इससे आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। आपके कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो जाएंगे और आज आर्थिक लाभ होने के कारण आप तनाव और चिंता से मुक्त रहेंगे। जी हां दोस्तों, आपके पुराने छूटे हुए कार्य आज पूरे होंगे। दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों के मुताबिक सफलता आज आपके कदम चूमेगी। शाम के समय तक कोई रुका हुआ काम बनने की उम्मीद नजर आ रही है। आप किसी पुराने बंद पड़े कारोबार को दोबारा शुरू करने का विचार भी कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव बातों के बारे में। आज नकारात्मक विचारों से आप बचें। दोस्तों, आपकी नेगेटिव और नकारात्मक सोच ही सबसे बड़ी नुकसानदायक सिद्ध होगी। इससे आपका मनोबल कम हो जाएगा, इसलिए आप विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें और पिता की सेहत को लेकर भी आज आप चिंतित रह सकते हैं। दोस्तों, आपका व्यवसाय और व्यापार कैसा रहेगा? आज रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा। कारोबार में आज सफलता के योग रहेंगे। आर्थिक नजरिए से आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। लकड़ी का कारोबार करने वाले व्यापारियों की बिक्री में इजाफा होगा। व्यापारियों की बिक्री बढ़ेगी, जिससे मुनाफा भी होगा। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। दोस्तों, आपका घर परिवार कैसा रहेगा? अपने पिता की बातों का सम्मान करें, आपकी राय अहम है। सभी पक्षों पर सोच विचार कर ही अपनी बात रखें। घर परिवार में अविवाहित रिश्ते की बात हो सकती है। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है। माता द्वारा आपको सुख प्राप्त होने के योग हैं। घर परिवार में खुशियां रहेंगी। पति पत्नी में कोई मीठी नोकझोंक हो सकती है, इससे आपके प्रेम संबंध और मजबूत हो जाएंगे। बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें।